और एक भाई कमेंट करके बोल रहा था, बोले कि हमारे पाल में चोरी नहीं होती भाई, हमारे गांव को फालतू बदनाम कर रहे हो बोले, और तुम ही माल बेच के खा गए होंगे बोले। भाई मेरे घर की खुद की गाड़ी है ये, और ऐसा काम नहीं करते यार कि गाड़ी में से कुछ माल चोरी करके आज तक नहीं बेचा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि पूरा गाँव ही चोर है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं। हम भी गए थे अपने घर परिवार के लिए, बाल बच्चे के लिए, दो पैसे कमाने के लिए, लेकिन कमाए तो कुछ नहीं, उल्टा कर्जा कर लिया भाई। उधर से जब गाड़ी ला रहा हूँ ना मैं, तो दूसरे से पैसे मांग मांग के गाड़ी लाया हूँ। मुझे ही पता है, मेरी आत्मा दुख रही है, मेरे को ही पता भाई। आपका अगर चोरी होता ना तो आपको पता चलता। हेलो, गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ, आई होप अपनी अपनी जिंदगी में आप लोग भी खुश होंगे, बाकी भाई हम भी मस्त है। तो गाड़ी वाड़ी खाली करके हम लोग आ गए थे, क्या बोलते हैं, नांदेड़ से खाली कर दी गाड़ी वहाँ पे, और 210 किलोमीटर अपने को पड़ा है गेवराई, और गेवराई के अड़ोस पड़ोस से खेड़े गांव से अपनी गाड़ी लोडिंग हो रही है, और गाड़ी पीछे खड़ी हो रही पीछे, और वहाँ से आए वो तो मैंने कोई वीडियो नहीं लिया क्योंकि कल बहुत ज़्यादा टेंशन में था भाई, क्योंकि जो गाड़ी भर के आए थे ना इंदौर से आलू और लहसुन, तो उसमें अपनी गाड़ी का माल कट गया था ना, क्या बोलते हैं, पाल वाले घाट में, तो पाल वाले रोड पे कहीं चोरी हो गई थी भाई, अपनी तिरपाल विरपाल काट दी थी पीछे, भाड़ा 1 रुपया भी नहीं मिला मेरे को, और घर से गए पूरे पैसे भाई, उधर से जो पैसे लगा के आया हूँ मैं टोल और डीजल डाल के, तो वो पैसे भी जेब से गए, और भाड़ा भी 1 रुपया नहीं मिला भाई अपने को। तो मतलब कल बहुत ज़्यादा टेंशन में था यार मैं, और आज भी जैसे तैसे करके गाड़ी लेकर के जाऊँगा यहाँ से अपने घर वापस, मतलब गाड़ी भर के, तो अपने गांव का ही माल है सेंधवा का, गुड़ भरा रहा है अपनी गाड़ी में, तो यहाँ से ये फैक्ट्री है छोटी सी, यहाँ से गुड़ भर रहे हैं, और यहाँ भाड़ा वाड़ा तो कहीं मिलना नहीं, ये वाला भी जहाँ खाली होगी ना सेंधवा वहीं पे मिलेगा, तो मैं इधर उधर से मंग के और डीजल टोल करके इधर से जाऊँगा। बाकी दोस्तों, आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो, और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई यहाँ खेड़े गांव से, मतलब गेवराई से समझ लो, तो गेवराई अभी आगे है 15-20 किलोमीटर, और हम इसे खेड़े गांव में आए हैं। बाहर की लोकेशन थोड़ी चेक करो भाई, देख सकते हो ऐसे गांव में है भाई, अपनी गाड़ी में गुड़ भरा रहा भाई, ये गुड़ की छोटी सी फैक्ट्री है, चलते हैं पीछे, सकते कितना सारा गुड़ है, चलते थोड़ा आगे और बताते, देखो भाई गुड़ ही गुड़। तो चलो कोई नहीं, लोडिंग वोडिंग करते फिर निकलेंगे, काटा वाटा करवाएंगे, कितना वजन आ रहा है, क्या आया है देखते हैं। फाइनली दोस्तों गाड़ी लोड हो गई, बस अभी काटा करवाना है और वेट चेक करना है, फिर बिल्टी लेके निकलना ही है। अभी जस्ट हाथ मुंह धो के आए हम लोग, और ये रहे भाई पीछे से बांध ली, जाली भी मार दी, फंटे भी लगा दिए, और चलते भाई कांटे पर। कांटा बहुत छोटा है ना यार, गाड़ी फिक्स आती है, आ गई फिक्स 16,770 टोटल वजन, अभी देखते हैं कितना वजन आता है। 10 टन 770 किलो वजन आया है, और बिल्टी विल्टी कुछ नहीं थी, व्हाट्सएप कर दूंगा बोला है, क्योंकि यहाँ बिल्टी बनाने का कुछ है नहीं, तो ये कुछ गांव वगैरह में आगे शहर में जाएंगे और वहाँ से बिल्टी बना के ला करके और अपने नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। तो हम लोग निकल गए भाई, चलो फूफा जी जान दो, नहर तो पूरी सूख गई है, पानी है ही नहीं नहर में, बस गांव में आए भाई, गांव भी नहीं है ये, खेड़ा है भाई पूरा खेतों में गुड़ की फैक्ट्रियां डली हुई है, बस इनका जो है 1.5-2 महीने का सीजन रहता है, अभी गन्ने निकल रहे तब तक, उसके बाद में बंद हो जाएंगी कंपनियां, बस आगे आके रोड खत्म हो जाएगा और लेफ्ट लेंगे ना तो ये भीड़ वाला रोड आ जाएगा, और इधर औरंगाबाद तरफ जाएंगे, नांदेड़ परमाणी और मांजल गांव से सीधा गेवराई आ गए हम लोग, तो बस ये आ गया है ब्रिज आगे, और अपने को राइट टर्न लेना है यहाँ से, चलो पापा जी जान दो, राइट टर्न लेना आगे उस साइड चलो, रोड के डिवाइडर के जो बीच में फूल लगे हुए कितने मस्त लग रहे हैं ना, पूरे रोड पे लगे हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ये इस साइड में फूल ऑन, 1:30 बज गए है दिन की, भूख भी लगने लग गई, कहीं रुकेंगे आगे गेवराई वेवराई पार करके, और अपन चल रहे हैं इधर से गेवराई, गेवराई से जालना, और जालना से सीधा चलेंगे सिल्लोड़, और सिल्लोड़ होके भोकरदन होके सिल्लोड़ होके वहाँ निकल जाएंगे, क्या बोलते हैं यार, चोपड़ा,
चोपड़ा निकलेंगे या तो फिर नडाना निकल जाएंगे, और नडाना से सीधा सिरपुर, सिरपुर से सेंधवा। चलो भाई एक ढाबा दिखा यहाँ पे, तो खाते भाई खाना, चलते हैं ढाबे में। लगा लो फूफा जी इधर ही गड्डी। आज खाने में बुला लिया मूंग मसाला भाई, देख सकते हो ये रहा मूंग मसाला और चपाती। चलो भाई खाते खाना, निकालो फूफा जी गरम है। अपनी गाड़ी का फिल्टर साफ करवाना है, थोड़ी सी गाड़ी क्या है पिकअप कम कर रही है। क्या बोला? नहीं करेगा। चलो आगे कहीं रोकेंगे यार, इधर रास्ते में दिखा एक टायर वाला, तो इससे साफ करवा लेंगे फिल्टर। और उधर टायर वाला शो ऊपर कर लिया, फूफा जी खोल रहे हैं फिल्टर। भाई फिल्टर चोक हो रखा भाई, खोलो फूफा जी। निकालो कितने धूले जा रहा, ठोक के नीचे ठोक एक बार। हाँ भाई चोक तो हो रखा ये धूल ही धूल, बाप रे भयंकर चोक हो रखा यार पापा जी, इतनी सारी धूल निकल रही, देख रहे हो दोस्तों ये क्या हाल हो गए फिल्टर के, ये भयंकर चोक हो रखा पूरा। बहुत भयंकर चोक था यार, इसीलिए पूरी गाड़ी है ना दब के चल रही थी। अब मजा आएगा, देखो यहाँ पे भी धूल कितनी सारी है, वो वहाँ पे भी ठोका था हमने और वहाँ कितनी निकली। अब क्लियर होगा, अब गाड़ी बेस्ट चलेगी। और आयल सील लीकेज हो रही लग रहा, ये देख रहे हो ऊपर वाली आयल सील है ना स्टीयरिंग बॉक्स वाली, लीकेज हो रही आयल आ रहा है, करवाना पड़ेगा इसको, बाद में कराएंगे इंदौर जाके। अभी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इंदौर में होगा वो, जुलवाइना में भी काम नहीं होता है स्टीयरिंग बॉक्स का। और एक ब्रेक बूस्टर भी थोड़ा सा लीकेज हो रहा है ब्रेक मारने पे, तो वो भी इंदौर जाके करवाएंगे कोई दिन। अभी इसको कस लेते हैं। बहुत भयंकर चोक था यार, इसीलिए पूरी गाड़ी है ना दब के चल रही थी। अब मजा आएगा, देखो यहाँ पे भी धूल कितनी सारी है, वो वहाँ पे भी ठोका था हमने और वहाँ कितनी निकली। अब क्लियर होगा, अब गाड़ी बेस्ट चलेगी। और आयल सील लीकेज हो रही लग रहा, ये देख रहे हो ऊपर वाली आयल सील है ना स्टीयरिंग बॉक्स वाली, लीकेज हो रही आयल आ रहा है, करवाना पड़ेगा इसको, बाद में कराएंगे इंदौर जाके। अभी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इंदौर में होगा वो, जुलवाइना में भी काम नहीं होता है स्टीयरिंग बॉक्स का। और एक ब्रेक बूस्टर भी थोड़ा सा लीकेज हो रहा है ब्रेक मारने पे, तो वो भी इंदौर जाके करवाएंगे कोई दिन। अभी इसको कस लेते हैं। गिरीश वाला भाई दिखा है, तो गिरीश करवा लेते हैं यार अपनी गाड़ी में, क्योंकि यार 15 दिन करीब हो गए गिरीश ने करवाया। तो यहाँ पे गिरीश वाला भाई खड़ा हुआ था, तो हमने गाड़ी दबा ली और भाई करवा रहे गिरीश, और प्रेशर वाला है मजेदार, अच्छे से गिरीश होगा प्रेशर वाला है। तो कर रहा भाई नीचे गिरीश, चलो करवाते हैं गिरीश, उसके बाद में निकलेंगे। हो गया भाई गिरीश, बढ़िया से करवा लिया, 100 रुपए लगे गिरीश के, और अपने यहाँ पे जो हाथ से मारते हैं वो 70 रुपए लेते हैं, ये मशीन से मारते हैं थोड़ा सा क्या प्रेशर से मारते ना, तो बढ़िया से गिरीश हो जाता है, जो पीने रह जाती है जिसमें ज्यादा ताकत लगती है ना, तो ये मशीन से जल्दी हो जाता है और पीने भी चालू हो जाती है। और जो हाथ से मारते हैं वो छोड़ भी देते भाई, अगर जिस पिन में नहीं आ रहा होगा टाइट गिरीश जा रहा तो वो छोड़ भी देते हैं। दोस्तों पहुंच गए हैं जालना, और ये जो सीधा रोड जा रहा ना वो जाएगा औरंगाबाद, और अपने को यहाँ से टर्न लेना है राइट, और थोड़ा सा आगे चलेंगे और लेफ्ट ले लेंगे, लेकिन अपने को यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे चल के इस रोड को छोड़ना है। डीजल की बत्ती जल चुकी है, और डीजल में जब निकला था नांदेड़ से
तो 4000 का डला के निकला था और गाड़ी यहाँ तक आ गई है, क्योंकि खाली गाड़ी थी ना तो एवरेज भी अच्छा दिया गाड़ी ने, तो अब डलवा लेते भाई डीजल। यहाँ पे पंप दिख रहा है, डलवा लिया दोस्तों डीजल और 5000 रुपए का डलाया है डीजल, 1 रुपया कम है, 4993 आया है। और यहाँ से अपना सेनवा बचा है 250 किलोमीटर, तो 5 के एवरेज के हिसाब से भी जोड़ेंगे ना तो आराम से पहुँच जाएगी भाई। और पुराना डीजल भी थोड़ा बहुत पड़ा होगा, तो ढाई इंच तो पड़ा ही होगा। बाकी चलो निकलते, सुरेश भाई का भी फोन आया था अभी, तो बोले थे कि भाई कहाँ तक पहुँचे है। और इस ट्रिप में है ना कितना नफा हुआ कितना नुकसान हुआ, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। नफा वफा तो नहीं हुआ भाई, नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ वो अलग से आपको बताऊंगा। बाकी इधर से कितने भाड़े में गए थे उतने, और उधर से कितने भाड़े में आ रहे हैं वो सब आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा वो घर पहुंच के। फिलहाल में निकलते हैं दोस्तों। दोस्तों पहुंचे हैं सिल्लोड और सुरेश भाई रास्ता देख रहे हैं, वो खड़े उधर सामने ना लगाते गाड़ी पूछते हैं। और सुरेश भैया कहाँ हाल है? मजे में, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक है। और छोटू आपके बच्चे ऐसा? चलो बढ़िया है। उपा जी आ जाओ, गाड़ी बंद कर दो। सुरेश भैया से ढेर सारी बातें कर ली है, बाकी भाई बोल रहे खाना खा के जाना, लेकिन खाना क्या, हम लोग अभी 3:30 बजे खाना खाए थे, तभी भूख भी नहीं लग रही, तो बस नहीं खाने का आए थे, आपको जाने देगी नहीं लग रही ना, खाली पेट अच्छा लगता नहीं ना भाई, मान ही नहीं रहे यार। सिल्लोड के अड़ोस पड़ोस में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी गाड़ी में कोई भी, तो कौन सी गाड़ी का सामान मिलता है अपने? अभी सभी टू व्हीलर से लेके तो 6 व्हीलर 10 व्हीलर तक सब सब 10 टायर 6 चक्का 10 चक्का सभी गाड़ियों का सामान मिलता है इनके यहाँ पे। तो बाकी आपको शॉप भी बता देते भाई की, ये रही भाई की शॉप और भगवान ऑटो पार्ट्स के नाम से इनकी शॉप है। बस ये चौराया कौन सा चौराया है सुरेश भाई? महाराणा प्रताप चौक, महाराणा बाईपास रोड है ना, महाराणा प्रताप चौक सिल्लोड। जैसे इधर से आते हुए गेवराई क्या बोलते हैं इधर जालना, जालना से आते हुए पहला चौक पड़ेगा ये, और इधर जाएगा सीधा औरंगाबाद, इधर जाएगा जलगांव, ये वाला रोड। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना दोस्तों। और सूरज भैया का भी चैनल है यूट्यूब पे, आप लोग जाओ और सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को और सपोर्ट करो। चैनल का नाम सूरज भैया बता देंगे, क्या नाम है? मिस्टर सूरज भाई व्लॉग, मिस्टर सूरज भाई व्लॉग। तो दोस्तों जल्दी से जाओ और मिस्टर सुरेश व्लॉग को, सुरेश भाई व्लॉग है ना, मिस्टर सुरेश भाई व्लॉग को सर्च मारो और जल्दी से भाई सब्सक्राइब करो। देखो दोस्तों सुरेश भैया मान ही नहीं रहे यार, बोले खाना ही खा के जाना। हाँ ऐसा तो भूखे नहीं लग रही थी हमको, क्योंकि 3:30 बजे खाना खाया था। अब सुरेश भैया के साथ में घर पे जा रहे, पुपा जी बैठे भाई, तो बोले टिफिन पैक करवा लेना, पैक कर दूंगा बोले वहीं से, और घर जा रहे घर अभी। और सुरेश भैया मान नहीं रहे यार, बोले अच्छा नहीं लगेगा बोले। तो चलो कोई नहीं, चलते इनके साथ में। आ गए दोस्तों सुरेश भैया के घर पे, सुरेश भैया का घर ये रहा। आ गए दोस्तों गाड़ी के पास में और सुरेश भैया यार माने ही नहीं, बोले खाना खा के जाओ खाना खा के जाओ, और नहीं खा रहे बोले भूख नहीं लगी आपको बोले, तो भाई टिफिन बांध दिया रोटी दे दी साथ में और आ गए वापस गाड़ी के पास में। तो सुरेश भैया यार मतलब क्या ही बोले यार, भूख नहीं लगी बोले, फिर भी यार खाना ही दे रहे बोले, किसी को मैं खाली पेट जाने नहीं देता बोले, भूखे और खाना खिला के ही पहुंचाते बोले। तो सुरेश भैया से मिलके बहुत बढ़िया लगा। तो अभी हम लोग निकलेंगे
और सूरज भैया को भी भैया को के रुक जाओ आज के दिन, पर भाई बोले मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, बोले तो नेक्स्ट टाइम रुकेंगे हम कभी, ऐसे बोल के भैया जा रहे हैं। तो भाई की यात्रा भी शुभ रहे और भाई को जाते ज़्यादा सपोर्ट कीजिए विकी भाई को, और अपने आदमी गरीब अपने अपने गरीब आदमी के लिए सपोर्ट किया करो कभी भी, तो बने रहिएगा वीडियो में देखिए। भगवान ऑटो पार्ट्स के नाम से पार्ट्स भी है, और आप लोग कभी इधर आओ तो गाड़ी का सामान वामान कुछ लेना हो, क्लच प्लेट वगैरह जो भी सामान लेना हो, 6 चक्का से लगा के 10 चक्का गाड़ी तक। और बाकी इधर जूस की भी दुकान आपकी है ना, ये भी जूस की भी दुकान है भाई की, देख सकते हो। आप लोग कभी इधर आओ कोई भी तो अपना नाम ले देना सिर्फ, बस विक्की बिहार के सब्सक्राइबर है तो भाई से मिलकर जरूर जाना, ठीक है। अभी हम लोग भी निकलेंगे और भैया को भी करेंगे बाय बाय, ठीक है भैया निकले हम भी, आराम से जाओ और नींद वगैरह आए तो रुक जाओ। बिल्कुल बिल्कुल नींद आएगी, नींद तो कहीं नहीं आना, दो ड्राइवर है चले जाएंगे, और पार्टी वाले का फोन भी आया था, वो बोले कि कल गाड़ी खाली करना है तो अर्जेंट था, नहीं तो रुकते, ठीक है। चलो सूरज भाई, चलो भाई सूरज भैया को कर दिया बाय बाय, तो चलो भाई चलते हैं और आगे कहीं रुक कर सूरज भैया जो खाना दिए है ना वो खाएंगे, तो अभी तो भूख नहीं लग रही, 2-3 घंटे के बाद में खाएंगे। पहुंचे हैं दोस्तों नेरी, और नेरी से हमको लेफ्ट टर्न लेना है, और ये रोड तो सीधा जलगांव निकल जाएगा, तो जलगांव होके नहीं जाना है अपने को चलना है पाचोरा, पाचोरा होके ना पापा जी, एरंडोल होके चलना है अपने को। सुरेश भाई ने घर से रोटी दे दी थी भाई, तो वो रोटी को खा लेते भाई, नहीं तो फिर क्या है पन्नी में है तो खराब भी हो सकती है रोटी, तो अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लग गई है तो खा लेते भाई। और थैंक यू सो मच सुरेश भाई ने इतना प्यार और सपोर्ट किया भाई, रोटी हमारे लिए पहुंचाई भाई उन्होंने मैंने मना करी उनको कि भूख नहीं लग रही यार, क्योंकि हमने 3:30 बजे शाम को ही खाया था, माने नहीं, वो फिर भी घर पे लेके गए और घर वालों से गरम गरम रोटी बनवाई भाई हमारे लिए, तो किस्मत वालों को ही रोटी मिलती है भाई, तो धन्यवाद सुरेश भाई का भी और सुरेश भाई के घर परिवार का भी धन्यवाद। तो खाते भाई खाना, ये रही रोटी चटनी के साथ में है, मस्त मजा आएगी भाई। मजा आ गया भाई, चलो खाते फिर निकलेंगे आगे लिए। चोपड़ा ओपड़ा क्रॉस कर लिया हमने, और बस चोपड़ा क्रॉस करके फूफा जी को गाड़ी दे दी मैंने, क्योंकि थोड़ी सी नींद भी आ रही है, और रात का क्या टाइम हो गया भाई, बज गई 3:30 बज चुकी है रात की, और नींद भी आ रही, अब तो भाई मैं आराम करूंगा और फूफा जी चलाएंगे, और अपने को यहाँ चोपड़ा से सेंधवा बचा है 90-95 किलोमीटर। तो चलो दोस्तों मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ और आपको मिलता हूँ एक जस्ट थोड़ी सी देर बाद। हाय दोस्तों गुड मॉर्निंग, उठ चुका भाई मैं भी और पहुंच गए हम लोग सेंधवा, तो लगाते भाई गाड़ी अपनी यहाँ खाली होगी, पापा जी को साइड बताते हैं। खोल दिया रस्सा सिर पर डाला वाला जाली वाली, और माल उतरना स्टार्ट हो चुका है, और चोरों ने देखो जाने में वहां से कट्टे उतारे थे, बोरी लहसुन की बोरी उतार ली थी ना, चोरी हो गई थी 2, तो वो देखो तिरपाल फाड़ दी थी ना, 2 तिरपाल की 12 बजा दी उन्होंने, ये देखो एक तो ये व्हाइट वाली तिरपाल भी और हरी वाली तिरपाल डबल डाल रखी थी मैंने, तो डबल काट दी भाई उनको भी, सकते हो 5,000 का तो तिरपाल का नुकसान कर दिया, 5-6,000 का और 30-30,000 का तो माल गया, और भाड़ा तो 1 रुपया नहीं मिला, 30,000 भाड़ा था ना वो सब चले गया, अभी कितना नुकसान हुआ क्या हुआ वो आप लोगों को बताऊंगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं गाड़ी खाली करते हैं, खाली करने के बाद अपने को है ना जो पीछे की पट्टी है ना उसको कलर करवाना है और अपने यूट्यूब चैनल का नाम डलवाना उसके ऊपर, तो खाली करते फिर चलेंगे मैकेनिक नगर, तो थोड़ा बहुत वेल्डिंग वेल्डिंग का भी काम करेंगे और पटिया फर्स्ट क्लास पीछे के कलर करवा देंगे और उसके ऊपर नाम वाम लिखाएंगे, तो चलो खाली करते भाई गाड़ी। और करीबन अपना है ना इस ट्रिप में आधी पेटी का नुकसान हुआ है, तो अभी मैंने भी जोड़ा नहीं है, मैं आप लोगों को एक व्लॉग अलग ही बनाऊंगा और बता दूंगा कितने का नुकसान हो गया भाई, कमाया वमाया तो कुछ भी नहीं हमने, बस जो था वो भी गया और घर से भी गया है पैसा, मतलब बेकार काम हो गया यार इस बार है ना, बहुत ही बेकार हो गया। क्यों फूफा जी
बहुत घाटे में गई ले इस बार, 45,000 के अंदर अंदर है समझ लो, 50,000 रूपए गई ले भाई अपने। वसूल वसूल तो कहीं नहीं होना है क्योंकि ऐसे कहीं धंधे नहीं है तो वसूल हो जाएंगे ऐसे। और एक भाई कमेंट करके बोल रहा था, बोले कि हमारे पाल में चोरी नहीं होती भाई, हमारे गांव को फालतू बदनाम कर रहे हो बोले, और तुम ही माल बेच के खा गए होंगे बोले। भाई मेरे घर की खुद की गाड़ी है ये, और ऐसा काम नहीं करते यार कि गाड़ी में से कुछ माल चोरी करके आज तक नहीं बेचा। और मैंने है ना गाड़ी ड्राइवरी करके गाड़ी ली है, पता है मेरे को, पता है कैसे पैसे कमाया जाता है। और फोकट की और हराम की कमाई पूर्ति नहीं किसी को, इसीलिए हम किसी का एक रुपया खाते भी नहीं और चोरी चकारी ऐसा काम करते भी नहीं भाई। आप लोगों को बता देते, जो भाई वीडियो देख रहा होगा कमेंट करके बोल रहा था कि हमारे गांव में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं, तो भाई पूरे गांव को नहीं बोल रहा और आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ लोग होंगे जो ऐसा काम करते हैं। वो बोलते ना कि तालाब में मछली एक ऐसी रहती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती बोले, तो ऐसा ही काम है, एक व्यक्ति खराब रहता है, एक दो व्यक्ति और पूरा गांव बदनाम होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कि पूरा गांव ही चोर है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ऐसा काम करते हैं, हो सकता है गांव के हो या बाहर के हो अपने को पता नहीं, लेकिन उस एरिया में चोरी हुआ ना मेरा यार। देखो अगर आपका चोरी होता ना भाई, 50,000 रूपए 40,000-50,000 रूपए आपके जाते ना, तब यहाँ पे लगते आपको, तब पता चलता। मेरे को यहाँ पे लगी भाई, क्योंकि है ना इतनी मेहनत करी हमने रात दिन, अभी देखो कैसे हो रखे, कई नींद में चले, नींद काट काट के चले, भूखे प्यासे चले भाई, 24 घंटे में एक बार खाना खाया था पता है हमने। हम भी गए थे अपने घर परिवार के लिए, बाल बच्चे के लिए, दो पैसे कमाने के लिए, लेकिन कमाए तो कुछ नहीं, उल्टा कर्जा कर लिया भाई। उधर से जब गाड़ी ला रहा हूँ ना मैं, तो दूसरे से पैसे मांग मांग के गाड़ी लाया हूँ। मुझे ही पता है, मेरी आत्मा दुख रही है, मेरे को ही पता भाई। आपका अगर चोरी होता ना तो आपको पता चलता। तो चलो कोई नहीं, छोड़ो इन बातों को, और इसी के साथ में आज वाले ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। और ये जो काम वाम कराएंगे ये वाला ब्लॉग शूट करेंगे, गाड़ी का जो पट्टी वट्टी कलर करवाना है ये। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट नए ब्लॉग में।